to JK Bose Foundation Classes. My name is Tahir and today we are going to explain the poem number 5. Basically the chapter number 5, the attached poem to that is the poem. It's a very beautiful poem basically. Where do all the teachers go? So इस सारे चैप्टर में हम इस पूरी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इससे पहले के चैप्टर्स अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की पेज में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू ऑलरेडी वहां अपलोड है। CBSE, NCERT और JK Bose के लिए सेम सिलेबस है तो आप बड़ी अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। So let's see, basically what is this poem all about? यानी कि ये किसके बारे में है poem? तो for a little child, a teacher is special. As you know that, छोटे बच्चे के लिए teacher एक special चीज होती है। उसे लगता है कि teacher शायद कभी गलती नहीं कर सकता, ठीक है? और उसे लगता है कि teacher दुनिया में सबसे perfect आदमी है। वो कभी spelling mistake नहीं करता, वो कभी छोटी-छोटी चीजें नहीं करता जो एक बच्चा खुद कर रहा होता है। So it's difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. तो यानी कि वो समझता है कि उसका teacher एक सबसे best है, ठीक है? यानी कि वो कभी mistake नहीं कर सकता और वो उसे एक ordinary person नहीं समझता, वो इसे एक special creature समझता है, ठीक है? और basically ऐसा ही होता है। Teacher ज्यादातर बच्चों के सामने ऐसा कोई भी हरकत नहीं करते जिससे उन्हें लगे कि नहीं, टीचर्स ऐसा नहीं करता। तो एट द एंड में आपको बताऊंगा कि क्या टीचर्स ये सारी काम करते हैं या नहीं। तो चैनल पे बने रही, तो चलते हैं अब करते हैं शुरुआत। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock, डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। आप देखिए क्या सोच है, ठीक है? बहुत मजेदार पोएम है। Where do all the teachers go? कहाँ जाते हैं ये सारे teachers? When it's 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, तो ये teachers कहाँ चले जाते हैं? Do they live in houses? क्या ये घरों में रहते हैं? ठीक है? And do they wash their socks? क्या वो अपने socks धोते हैं? ठीक है? देखो किस तरह की सोच है एक छोटे बच्चे की, क्योंकि उसके लिए उसका teacher एक special thing है। उसे ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीजें नहीं करते होंगे। डू दे वेयर पजामास, क्या वो पजामास पहनते हैं? क्योंकि स्कूल में तो एक प्रॉपर ड्रेस में होते हैं, क्या कभी वो घर में जाके पजामा पहनते हैं? नेक्स्ट, एंड डू दे वॉच टीवी, क्या टीचर्स टीवी देखते हैं? ओके, एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपने नोज पिक करते हैं, क्या नोज की सफाई करते हैं, क्या नाकों में उंगलियां देते हैं? ठीक है, द सेम एज यू एंड मी, यानी कि मेरी तरह और तुम्हारी तरह, क्या टीचर्स भी ऐसा ही करता है? तो ये एक टीचर के बारे में एक छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन है उसके मन में, उसके दिमाग में। क्या क्वेश्चन है? डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, घुल मिल के बात करते हैं, क्या वो हंसते हैं, क्या उनसे वो मजाक करते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, क्या उनके माँ और बाप, क्या उनके पास पेरेंट्स होते हैं? टीचर्स के बारे में पूछो, क्या उनके पेरेंट्स होते हैं? इन फेयर दे एवर चिल्ड्रन, क्या उनके बच्चे भी होते हैं? ठीक है, एंड वेयर दे एवर बैड, क्या वो कभी भी बुरे हो सकते हैं? ठीक है, या कभी भी कोई ऐसी मिस्टेक वो कर सकते हैं? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उनके साथ कभी भी ऐसा हुआ कि उसने उन्होंने किसी स्पेलिंग को मिसरीड करा हो या गलत पढ़ा हो? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वो कभी गलतियां करते होंगे? ये चाइल्ड सोच रहा है अपने बच्चों के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वो उनको कभी पनिशमेंट मिलती है अपने पेरेंट्स की तरफ से? ठीक है, इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स, अगर उन्होंने जो चॉकलेट के फ्लैक्स वगैरह होते हैं उन्हें इधर उधर फेंक दिया हो या पिंच कर दिया हो कहीं पे, चॉकलेट का कचरा वचरा कर दिया हो कहीं पे, तो क्या उन्हें डांट मिलती है? चलिए बात करते हैं आगे, लास्ट के दो स्टेंसेस। डिड दे एवर लूज देयर हैमिंग बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रैबल ऑन द डेस्कटॉप्स, डिड दे वेयर होल डर्टी जीन्स,
क्या वो कभी अपने जो होली बुक्स होती हैं या रिलीजियस बुक्स होती हैं जो हमें स्कूल ले जानी पड़ती हैं, तो क्या वो उन बुक्स को कभी घुमा देते हैं और फिर घर में खूब सारी डांट जो है पड़ती है? Did they ever leave their greens? क्या वो भी कभी कभार लंच बॉक्स में पड़ी वो सब्जी छोड़ देते हैं या उसे कहीं पर भी फेंक देते हैं? Did they scribble on the desktops? आपने देखा है ना, जब भी आप स्कूल के डेस्क पे बैठते हैं वहां लिखा होता है स्टूडेंट्स के नाम जो अगले साल उस बेंच पे बैठा हो, या स्टूडेंट्स का काम ही होता है उनको स्क्रेबल करना ऊपर से या बेंच पे अपने नाम वाम लिखने, क्या वो भी ऐसा करते हैं? टीचर्स के बारे में सोचिए। Did they wear old dirty jeans? क्या वो भी कभी फटे पुराने ओल्ड जीन्स जो है वो पहनते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, ठीक है, मैं किसी एक का पीछा करते हुए उसके घर तक जरूर जाऊंगा एंड आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, और मैं ये फाइंड करूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पॉम दैट दे कैन रीड टू यू, और उसके बाद मैं एक पॉम लिखूंगा इन सब के बारे में वो घर में क्या करते हैं दैट दे कैन रीड टू यू, और बाद में यानी कि आपके सामने वो पढ़ेंगे आके इस पॉम को। तो बेसिकली अगर इस पॉम को समझे तो एक चाइल्ड का इमेजिनेशन है टुवर्ड्स द टीचर्स, ठीक है। और हाँ, आपको इसका मैं सारी चीजों के आंसर देता हूं कि यस, टीचर्स ये जो सारे काम है ऑलमोस्ट करते हैं, ठीक है। और जनरली अगर कुछ बातों में मैं करूं जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, बट वो है कुछ चीजें जैसे यहाँ पे, हाँ, ये बुक्स वगैरह गुम हो जाना तो ये तो कॉमन सी बात थी और उस पर रोज से डांट पड़ती थी घर में। एंड यस, सब्जियां जब भी अपने मनपसंद की सब्जी ना हो तो अक्सर फेंकी जाती थी स्कूल में लंच बॉक्स से बाहर। क्या बेंच को कभी किया है? हाँ भाई साहब, बहुत बार, लेकिन करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, क्या डर्टी जीन्स कभी पहनी है? बिल्कुल पहनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सारी चीजों को ही हम वेरीफाई करें तो मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि आई होप आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल दीज, क्या हमें कभी पनिशमेंट मिली है? तो बहुत ज्यादा, और मुझे सिक्स क्लास में एक बार इतनी जबरदस्त पिटाई मिली थी, आज तक वो याद है, ठीक है। और इस तरह से क्या उनके मॉम डैड्स होते हैं? डेफिनेटली हैं। क्या उनके बच्चे होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स जो इमेजिनेशन है एक चाइल्ड की, उसके मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे आंसर दे दिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइमिंग स्कीम को चेक कर लेते हैं इस पॉम के, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली जो पॉम थी उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं थी। सो देखो, टूडे डू पॉम एंड यू, तो अगर मैं टुडे की बात करूं, कीप दिस एज ए, डू को बी, क्योंकि टुडे और डू का मीनिंग जो है बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहां पे पोम की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली सी, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है डू यू, और ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है, ये भी बी है, क्योंकि बी डू और यू का साउंड सेम है तो उसे मैंने सेम बी लेटर से मैंशन कर दिया। तो ये इट्स लाइक ए बी एंड देन सी एंड देन बी, ठीक है। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं, बुक्स, ठीक है, इफ यू कीप इट एज ए, ग्रीन्स बिल्कुल डिफरेंट है तो कीप इट एज बी, और उसके बाद टॉप्स तो यस दिस इज सी, और ग्रीन्स और जीन्स ये दो मिक्स हो रहे हैं, जैसे मैंने जीन्स को बी से रिप्रेजेंट किया तो यहां पे भी बी है, तो सेम यही राइमिंग स्कीम है, ए बी सी और बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्किंग विद द पॉम, आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो फॉर ओ क्लॉक, क्यों चाहता है पोएट ये जानना कि टीचर्स कहां जाते हैं। द पोएट डज नॉट कंसिडर टीचर्स एज ऑर्डिनरी पीपल, वो ये नहीं समझता कि टीचर एक ऑर्डिनरी, वो उसे एक स्पेशल क्रिएचर समझता है, एंड ही फील्स दैट दे आर स्पेशल ह्यूमन बींग्स, और उसे लगता है कि वो कुछ स्पेशल टाइप के लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एंड हिन्स ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे एक्चुअली गो एट 4 o'clock एंड वट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स। सो वट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट पोएट टॉक्स अबाउट, अकॉर्डिंग द पोएट नॉर्मल पीपल लिव इन द हाउसेस, फ्रेशन अप आफ्टर रिटर्निंग होम, वेयर पजामाज, वॉश देयर क्लोथ, वॉच टीवीज, live with their parents, live with their parents, make mistakes, lose books, get punished, then scribble on their desks, and yes, wear old dirty jeans and then linen extra, ye sare kaam jo hain
ऑलमोस्ट ही करते हैं सब लोग, ठीक है। सो देन यू हैव थर्ड, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वो किसके बारे में इमेजिन करता है, उसका पार्ट ए, वेयर टीचर्स लिव। द बॉय इमेजिन्स दैट द टीचर्स लिव इन द जॉइंट फैमिलीज। So what they do at home, they wash their socks, change into pajamas and then watch TV, blah 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 and extra, बहुत सारी चीजें, ठीक है। The people with whom they live with their parents, ठीक है। उसके बाद their activities when they were children in the school, जब उनकी क्या activities होती हैं जब वो children होते हैं school में बच्चे, when they were at the school, क्या उनको कभी spelling mistake incorrectly पे कभी punish मिला हो, ठीक है। या चिविड चॉकलेट्स इन द क्लास एंड वेर पनिश्ड, क्या उन्होंने कभी चॉकलेट क्लास में खाई हो और फिर पकड़े गए हो और फिर उस पे मार या डांट डपट जो है वो पड़ी हो, ये हर एक के साथ हुआ है। व्हाई डज द पॉइंट वंडर इफ टीचर्स आल्सो थिंग्स दैट द पीपल डू थिंग्स दैट आई डोंट डू, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पॉइंट है हमारा, द पॉइंट बेसिकली द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर्स एज अ स्पेशल पर्सन, so they are his ideals, perfect in every respect, वो समझता है कि वो हर एक respect में perfect है। so he wonders if they also do the things that other people do, और वो ये wonder करता है कि क्या जो बाकी चीजें लोग करते हैं क्या वो करते हैं या नहीं करते हैं। how does the poet plan to find out, ये यहाँ पे question है basically, ये एक ही color में हो गया तो आप इसका ध्यान रखोगे, so this part is basically the question part, ठीक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखोगे, दिस पार्ट इज बेसिकली द क्वेश्चन पार्ट, सो दिस इज द क्वेश्चन पार्ट हियर। नाउ यहां से हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, सो ये पार्ट जो है ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ डज द पॉइंट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, अब ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का क्या प्लान करता है कि कैसे वो फाइंड आउट करेगा, एंड व्हाट ही विल डू इफ ही फाइंड्स आउट, और वो क्या करेगा अगर उसे ये मिल जाता है। तो बेसिकली पोएट प्लान करता है टू गेट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज टीचर, ही प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर एंड फाइंड आउट व्हाट ही आर शी डज, वो किसी टीचर को फॉलो करना चाहता है और देखना चाहता है कि वो क्या करता है। देन ही विल रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग्स, जब भी जो भी चीजें उसे रिजल्ट में मिलेंगी वो उन्हें एक पोएम की शक्ल देना चाहता है ताकि बाकी बच्चे भी ये देख के समझ सकें कि क्या टीचर्स ऐसे काम करते हैं या नहीं। व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन, आपको क्या लगता है कि ये फ्रेजेस का क्या मतलब है। पनिश्ड इन द कॉर्नर, पनिश्ड इन द कॉर्नर का मतलब होता है द टीचर कीप्स एन आई ऑन ऑल द स्टूडेंट्स इन केस ही नोटिसेस अ बॉय ईटिंग चॉकलेट्स इन द क्लासरूम और मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, सो ही आस्क्स द बॉय टू स्टैंड इन द कॉर्नर फॉर द पनिशमेंट। तो ये एक्चुअल इसका मतलब यही है कि जब भी कोई टीचर पकड़ता है तो वो बच्चे को एक कॉर्नर में खड़ा करता है कि ये लो स्टैंड ऑन द वॉल लाइक, इज इट राइट। लीव देयर ग्रीन्स, लीव देयर ग्रीन्स का क्या मतलब होता है, यानी कि जब भी वो लंच बॉक्स साथ में ले जाते हैं उसमें जो ग्रीन्स यानी कि वेजिटेबल्स होते हैं तो क्या वो इनको क्या काम करता है, क्या कभी कभार वो भी ये वेजिटेबल्स जो है फेंक देते हैं। यस, some of the children do not eat their lunch in full, कुछ बच्चे लंच अच्छे से नहीं करते हैं, नहीं खाते, they leave cooked greens vegetables here and there and throw them into the dustbin, और ऐसा काम है इसका मतलब यही है कि leave their greens का मतलब होता है सब्जी जो लंच बॉक्स में होती है उसे छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे होता है हमारा ये poem complete, 5 lessons आपके complete हो चुके हैं और आने वाले 3 दिन में बाकी जो लेसन्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। और यस, यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल चीज लिखी है कि स्कैन मी फॉर द नोट्स, किसी भी तरह के नोट्स अगर आपको स्कैन करने हैं जैसे इस चैप्टर के सारे नोट्स, इनका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, एक बार इसे स्कैन करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।